इस विश्वविद्यालय के लिए ये गौरव की बात है कि एकेडमिक सेशंस 2022-23 के लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल पर प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को मैं जानती हूँ 52% संख्या हमारी बेटियाँ की है। मुझे ये देखकर भी प्रसन्नता हुई है कि आज उपाधि और पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी गर्ल स्टूडेंट्स की संख्या लड़कों से लड़की अधिक है। इस बदलाव में हमें एक नई विकसित और समावेशी भारत की तस्वीर दिखाई देती है। प्यारे विद्यार्थियों, विकास और सभ्यता की उपभोक्तावादी अवधारणा के कारण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा लाइफस्टाइल जीडीएस की चुनौतियां और अधिक विकराल रूप ले रहे हैं। पिछले पीढ़ियों ने अच्छे कार्य भी किए और उनसे कुछ गलतियां भी हुई है। मैं चाहती हूं कि आज की युवा पीढ़ी अच्छाइयों को आगे बढ़ाए और गलतियों को सुधारे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट कैन बी सेड दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी रिफ्लेक्ट्स इंडिया इन ऑल इट्स रिचनेस एंड डाइवर्सिटी। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट देयर इज ए बीट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इन एवरी एरिया ऑफ एक्सेलेंस इन इंडिया एंड एब्रॉड। द लिस्ट ऑफ इलुस्ट्रियस अलुमिनाई ऑफ द यूनिवर्सिटी इज रियली लॉन्ग एंड फॉर्मिडेबल। हाउएवर, नो इंस्टीट्यूशन कैन रेस्ट ऑन इट्स लॉरेल्स। इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ रैपिड चेंजेस, एन इंस्टीट्यूशन हैज टू कंटिन्यूसली री इन्वेंट इट्स सेल्फ। द दिल्ली यूनिवर्सिटी कम्युनिटी शुड फील ड्यूटी बाउंड टू लीड अदर यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री ऑन पैरामीटर्स ऑफ एक्सलेंस एंड देयर बाय अर्न ए प्लेस एमंग ग्लोबली कंपेरेबल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी शिक्षा और रुझान के अनुसार आप सब अपने करियर का चुनाव करने जा रहे हैं, लेकिन यदि आपका सपना केवल अपने करियर तक सीमित रहेगा तो आप सब अपने साथ और समाज के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आपकी सोच का दायरा और आपकी जिम्मेदारी कहीं अधिक व्यापक होनी चाहिए। आप सबसे मैं अनुरोध करती हूँ कि नई भारत और नए विश्व के निर्माण के लिए आप नए सपने देखिए और बड़े सपने देखिए। बेहतर इंसान बनना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। जीवन में बड़ा बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना इससे भी बड़ी बात है। इसी तरह विज्ञान के माध्यम से मंगल पर जीवन की खोज करना अच्छी बात है, लेकिन अच्छी सोच यानी विवेक के साथ जीवन में मंगल की खोज करना और भी बड़ी बात है। अंत में एक बार फिर मैं आप सबको बधाई और आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए हृदय से आशीर्वाद देती हूँ।